अक्सर बच्चे दूध पीने में काफ़ी आनाकानी करते हैं, और अगर हम सोया मिल्क की बात करें तो बच्चे सोया मिल्क पीना पसंद नहीं करते। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों में बच्चों के लिए एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी शेक की रेसिपी। हमारी आज की रेसिपी है चोको सोया शेक। अगर आपने एक बार अपने बच्चों को ये शेक बनाकर पिला दिया तो बच्चे रोज़ रोज़ आपसे ये शेक बनाने की डिमांड करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी शेक की रेसिपी है। इसी के साथ मोनिकाज किचन में आपका स्वागत है। इजी और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए मोनिकाज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। चोको सोया शेक बनाने के लिए हम सोया मिल्क लेंगे, तो मैं एक सर्विंग शेक बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक टेट्रा पैक सोया मिल्क लिया है और मैंने ये वनीला फ्लेवर का लिया है। तो मिक्सी के जार में हम सोया मिल्क डालेंगे। आधा चम्मच अनस्वीटन्ड कोको पाउडर का डालेंगे और एक चम्मच चीनी डालेंगे। आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और फिर एक चम्मच हम चॉकलेट सिरप का डालेंगे, आप कोई भी ब्रांड का चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका ढक्कन लगाकर हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डालकर हम फिर से मिक्सी चलाएंगे। शेक को सर्व करने के लिए हम कांच का एक लॉन्ग गिलास लेंगे और फिर हम थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लेकर गिलास को कोटिंग करेंगे। इस तरह से चम्मच में थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालकर हम गिलास घुमाएंगे तो एक डिज़ाइन सा बन जाएगा, जिससे शेक देखने में भी सुंदर लगेगा। अगर आपके बच्चे सोया मिल्क नहीं पीते तो आप एक बार इस शेक को उन्हें पिलाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी शेक की रेसिपी है। और फिर ऊपर से हम थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स डालकर इससे गार्निश करेंगे। इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चोको सोया शेक सर्व करने के लिए तैयार है। गर्मियों में बच्चों के लिए हेल्दी शेक की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल मोनिकाज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ बहुत ही जल्दी।